हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ जर्मन वोकैबुलरी एंड वर्ड चार्ट्स। यू कैन सी हियर टुडे वी लर्न अबाउट द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो इंडिया का मिशन है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई इसी साल, और अभी वो अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट में आ गया है, और होपफुली 23 अगस्त को शाम को 5:40 के अराउंड वो मून के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। अगर ऐसा होता है सक्सेसफुली तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू सेंड दिस मिशन सक्सेसफुली ऑन द मून सरफेस। तो इंडिया वर्ल्ड में 4th कंट्री बन जाएगा अगर ऐसा होता है तो, सक्सेसफुली मून पे मिशन भेजने वाला। मून के साउथ पोल पे ये इंडिया का मिशन है, तो उसी से रिलेटेड ये जर्मन में आर्टिकल है, इसको पढ़ेंगे हम और अपनी वोकैब इंप्रूव करेंगे। इंडिशे राउंड चंद्रयान 3 और चंद्रयान द्राय एराइस्ट मोंड उम लाउफ वान। देख लो, मोंड उम लाउफ वान मीन्स ऑर्बिट। ये यहाँ पे देख लो पिक्चर, ये ऑर्बिट के, ये चंद्रयान 3 है हमारा, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया था इसको, ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था सेटेलाइट से, ठीक है। ये रॉकेट से जाता है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में जगह है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से ये लॉन्च किया था चंद्रयान 3। ये देख लो, ये ऑर्बिट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जो चंद्रयान 3 मिशन था वो यहाँ पे ऑर्बिट में चक्कर लगाया था उसने, अर्थ के ऑर्बिट में, अब उसको छोड़ के यहाँ पे मून के ऑर्बिट में आ गया है आज। तो मून के ऑर्बिट पे थोड़ा चक्कर लगा के फिर मून के सर्फेस पे लैंड करेगा। तो ये ऑर्बिट का पिक्चर है पीछे, आप देख रहे हो, इसी को जर्मन में बोलते हैं मोंड उम लाउफ वान मीन्स जहाँ पे उम लाउफ। ये देख रहे हो, ये इसका उम लाउफ है, ये जो एरिया है जिस पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो सर्कल ऐसे चक्कर लगाता है गोल गोल, ये होता है लाउफ बान, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपने आर्टिकल को आगे और देखते हैं किस तरह के वर्ड्स हमें मिलते हैं नए। कुछ नया आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी। चलिए देखते हैं। इंडियन ईस्ट जाइनम सील आइनर मोंड लांडुंग आइनर शिट नेहर के कॉमन आइनर शिट नेहर के कॉमन इंडिया एक स्टेप आगे आ चुका है। आइनर शिट नेहर, शिट मीन स्टेप, एक स्टेप इंडिया आगे बढ़ गया, ठीक है, अपने मून मिशन के लेकर। इंडियन इस जाइनम सील, सील मतलब टारगेट, गोल, इंडिया का गोल है, इस मिशन का टारगेट है, ठीक है, सक्सेसफुली मून पर लैंड करना। तो अपना एम, जो अपना एम है मोंड लांडुंग, मोंड पे लैंड करनी। मून को क्या होता है, मोंड, मोंड मीन्स मोंड, डेयर मोंड, हाँ, डी जोनर डेयर मोंड। तो मोंड लांडुंग, मून पे लैंडिंग करनी है, उसकी तरफ जो एक स्टेप है वो आगे पहुंच गया नेहर के कॉमन। दे उन बेकांटे राउंड फ्लुक क्योर पर चंद्रयान द्राय जाय एरफॉल राइश इंडी मोंड उम लाउफ वान आएंगे त्रेटन, ठीक है। सक्सेसफुली कहाँ पे आ गया, मोंड उम लाउफ वान, मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली आ चुका है। पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाए 5 दिन, उसके बाद सक्सेसफुली अब मून के ऑर्बिट में आ चुका है। तो वही बताया, चंद्रयान 3 जाय एरफॉल राइश सक्सेसफुली इंडी मोंड उम लव बान, ठीक है। जाय, ये देख लो, ये होता है का आइंस होता है ये, ठीक है, इसमें जाइन की वर्ब है, इसको जाय लिखेंगे, ठीक है। तो उन बेकांटे राउंड फ्लू क्योर पर, ठीक है, जो मून का जो ऑर्बिट है उसके रूम में सक्सेसफुली आइन गित्रेटन मीन्स एंट्री कर चुका है, आइन गित्रेटन एंट्री कर चुका है, आइन त्रेटन होता है परफेक्ट, आइन गित्रेटन। टाइटे द इंडिशे राउंड फाट बेहोड इसरो आर्म्स आर्मस्टॉक मिट टाइलन मतलब इन्फॉर्म करना, ये हमने कई बार पढ़ा है, मिट टाइलन टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्मियरन मिट टाइलन, बट मिट टाइलन सेपरेबल है, ट्रेंड बारस वर्ब है। तो टाइट प्रटेरेटो इन्फॉर्म किया जा चुका है, कर चुके हैं इन्फॉर्म इंडिशियल इंडियन ऑफिशियल इसरो के ऑफिशियल, ठीक है। राउंड फाट बेहोड मीन्स ऑफिशियल इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी स्पेस से रिलेटेड रिसर्च होती है वो सब इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे US में NASA है, ऐसी इंडिया में इसरो एजेंसी है, तो इसी एजेंसी ने, ठीक है, इस मिशन को तैयार किया है और इसको भेजा है। तो ऐसा इन्फॉर्म किया है इंडिश इंडियन राउंड फाट बेहेवर्ड ऑफिशियल इसरो के ऑफिशियल ने जामस्टाक सैटरडे को। When the mission Weiternach plan verläuft, if this mission goes further as per the plan,
नाक प्लान मेसिस मीन्स प्लान के अकॉर्डिंग अगर सक्सेसफुली आगे चलता है तो वेड चंद्रयान द्राय आम द्रायम स्वांतिष्टन ऑर्डर फिर स्वांतिष्टन अवगुस्ट इंडियन नेह डेस काउम एयरफोर्स्टन ज्यूट पोल्स डेस मोन्डस लंडन। अगर सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सक्सेसफुली रहता है तो चंद्रयान थ्री 23rd या फिर 24th अगस्त को इन द नियर ऑफ काउम एयरफोर्स्टन, मतलब इन द नियर जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा है, साउथ पोल डेस मोन्डस। तो ये मिशन कहाँ जाएगा? मून के साउथ पोल पे, ज्यूट पोल, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, ज्यूट पोल डेस मोन्डस लंडन। तो मून के भी पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये मिशन साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। तो इट कैन बिकम हिस्ट्री अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग सही चलता है। तो ये लिखा है व्हेन द मिशन वाइटर नाक प्लान फेरलॉयफ्ट, फेरलॉयफ्ट मीन्स रन एज पर द प्लान, नाक प्लान, प्लान मैसेज भी बोलते हैं बट प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान, क्या बोलते हैं प्लान मैसेज मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान, एक और वर्ड है प्लान मैसेज मीन्स एज पर प्लान अगर चलता है तो 23rd या फिर 24th अगस्त जैसे मैंने बोला इवनिंग में इंडियन टाइम 5:40 के अराउंड ये सरफेस पे लैंड करेगा। इंडियन वेरे दान नाक डेन यूएसआ रूसलैंड उंड शीना डिफीट ए नाशियोन, इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना डिफीट ए नाशियोन, डी नाशियोन और दास लैंड दोनों वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने डी नाशियोन यूज किया है। तो इंडिया विल बी द फोर्थ नेशन डेयर आई ने कॉन्थ्रोलियट ए मोन्ड लांडोंग गिलिंग्ड एंड डेयर, ये रिलेटिव है ठीक है, इंडिया इंडियन वेरे द नाक रूसलैंड उन शीना डिफियट ए नाक्सियोन डेयर आई ने कॉन्थ्रोलियट ए मोन्ड लांडोंग गिलिंग्ड, तो डी नाक्सियोन होता है, डी को डेयर बनाया है यहाँ पे क्योंकि गिलिंगन, गिलिंगन ने डाटिव वर्ब है, गिलिंगन मीन्स टू गेट टू अचीव, इंडिया गॉट इट, इंडिया गॉट दिस, तो इंडिया को हासिल हुआ, इंडिया ने अचीव किया कंट्रोल मून लैंडिंग पे, कंट्रोल किया सक्सेसफुली कंट्रोल किया ठीक है। डी नाक्सियोन को यहाँ पे रिलेटिव में डेयर बना दिया है ठीक है, तो डी का डेयर हुआ बिकॉज ऑफ गिलिंगन, तो इंडिया को हासिल हुआ मून पे लैंड करना कंट्रोल करना सक्सेसफुली अगर ऐसा होता है तो इंडिया विल बी द फोर्थ नेशन डिफीट ए नाक्सियोन आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना, नाक डेन नाक आफ्टर वेरे कास्वाय है वेरे बिकॉज वी आर नॉट श्योर, अभी तक कंफर्म नहीं है कि जा पाएगा या नहीं, कंफर्म नहीं है कि इंडिया विल बी एबल टू डू दिस और नॉट, सो कास्वाय वेरे इंडिया वुड बी देन द फोर्थ नेशन ओके हु गॉट इट द कंट्रोल ऑफ मून लैंडिंग, जिसको मून लैंडिंग कराने का सक्सेसफुली कंट्रोल हुआ है। आने रॉकेट मिट चंद्रयान थ्री वार आम फियथन यूली फोन्डर ज्यूड इंडिशन इंजल श्री हरिकोटा इन्स अलग स्टार्टेड, तो आईने रॉकेट, रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है ठीक है, रॉकेट चलाता है श्री हरिकोटा से, जो आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरिया है श्री हरिकोटा वहीं से इसको लॉन्च किया था ठीक है। आईने रॉकेट है बोलेंगे मिट चंद्रयान राय वार आम फियथन यूली, मैंने बताया था 14th July को अराउंड इंडियन टाइम 2:35 PM इसको लॉन्च किया गया था 14th July को इफ़ यू रिमेंबर ठीक है। फोन्डर ज्यूट इंडिशन इंजल साउथ इंडियन आइलैंड, ये कोस्टल एरिया है साउथ इंडियन आइलैंड श्री हरिकोटा से इन्स अलग स्टार्टेड, इन्स अलग स्टार्टेड मीन्स इट हैज़ बीन सेंट, इसको छोड़ा गया था, इस रॉकेट को छोड़ा गया था जिसमें ये चंद्रयान थ्री मिशन था, तो रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया था श्री हरिकोटा से ठीक है। ज्यूट इंडियन ओके आईने इंजल एक आइलैंड है साउथ इंडिया में ठीक है, एक कोस्टल एरिया है, एक नदी का किनारा है ठीक है, समीप है ओशन के नियर बाय है, तो ये जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं ये श्री हरिकोटा से ही होता है और किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस चाहिए, वहाँ की ज्योग्राफी एक सूटेबल है ठीक है, अप्रोप्रिएट है इस तरह के रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, नीचे लॉन्च पैड होता है और ऊपर रॉकेट को छोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलता है तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इसलिए बहुत बड़ा ओपन स्पेस चाहिए ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। आगे डी मोन्डस ऑन द ब्राउटे डॉल्टलीस लेंगर सू डेम एट त्राबेंटन आल्स एटवा डी बेमांठन अपोलो मिशन डेर यूएस इंडियन 1960 एंड 70 यार्न,
तो 1960 और 70 में अपोलो मिशन था यूएस का, ठीक है, उसने बहुत कम टाइम में मिशन को मून पे पहुंचा दिया था, बट इंडिया को 40-45 डेज के अराउंड टाइम लग रहा है, ठीक है। डी मून सोंडे ब्राउटे डॉटलिश लेंगर, क्लियरली लॉन्गर, क्लियरली डॉटलिश मीन्स क्लियरली, क्लियरली बहुत लंबा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो एड त्राबेंटन आल्स एटवा एज कम्पेयर टू आल्स एटवा डी बेमांटन अपोलो मिशन, ठीक है, बेमांटन, ठीक है, अपोलो मिशन था यूएस का जो 1960 और 1970 में छोड़ा गया था, उसके कंपैरिजन में इस मिशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। डीज हटनडेन एड त्राबेंटन इनर हाल फोन विनिगन ठागन अराइज, तो ये जो मिशन था यूएस का अपोलो मिशन इन विनिगन ठागन वेरी लेस डेज अराइज टू रीच, अराइज मीन्स टू रीच, बहुत कम टाइम में ये पहुंच गया था मून पे, बहुत कम टाइम में पहुंच गया था, कब की बात है 1960 और 1970, नॉनसेन हुंडर जैक्सिश और नॉन्टेड जिप्सिश कर यारन, सो इट टुक वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू इंडियन चंद्रयान 3 मिशन, बहुत कम टाइम में यूएस ने इसको लैंड कराया था, ठीक है, अराइज्ड इन विनिगन ठागन अराइज्ड, बहुत लेस कम डेज में इसको पहुंचाया था। दाफ्यूर सिंडी कोस्टन डे इंडिशन मिशन मिट कनाप फिन फुन जिप्सिश मिलियन डॉलर डॉटलिश गिरिंगर आल्स इन आंद्रन लैंडर, दाफ्यूर सिंडी कोस्टन डे इंडिशन मिशन मिट कनाप, तो इंडियन मिशन की जो कोस्ट है डी कोस्टन, कितनी कोस्ट है इंडियन मिशन की कोस्ट है मिट कनाप लिटल अराउंड 75 मिलियन डॉलर एटवा जैक्सन जैक्सिश मिलियन ओयरो, तो इतना कॉस्ट किया है इंडिया ने, इतना खर्च किया है इस चंद्रयान 3 पे 66 मिलियन यूरो या फिर डॉलर में बात करें तो 75 मिलियन डॉलर इंडिया ने खर्च किया है इस मिशन पे, जो कि डॉटलिश क्लियरली गेरिंगर है, गेरिंगर मींस लेस, वेरी लेस, लेसर देन अदर लैंडर्स, मींस यूएस रशिया और चाइना ने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, इसलिए वो मिशन बहुत कम टाइम में पहुंच गया था मून पे विद इन 5-10 डेज, और इंडिया का जो मिशन है ये 40 डेज से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इंडिया ने इस मिशन पे थोड़ा पैसा कम खर्च किया है, इसलिए ये पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, लगा चुका है, अब मून के ऑर्बिट में लगाएगा और धीरे धीरे मून के सरफेस पे लैंड करेगा। तो ये सब बात है पैसों की, तो सक्सेसफुल होना चाहिए मिशन, कोई बात नहीं पैसा कम लगे या ज़्यादा, नाउ द थिंग इज़ दैट इंडिया शुड बी एबल टू लैंड सक्सेसफुली, विल सी ऑन 23rd or 24th August इन द इवनिंग। तो यही बताया है यहाँ पे आंद्रन लैंडर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया ने इस मिशन पे जो पैसा खर्च किया है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए वहाँ पे जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, इस वजह से ये किया गया है। तो यहाँ पे हमने पूरा ये हमने टेक्स्ट पढ़ लिया, यू कैन रीड दिस टेक्स्ट अगेन, इट इज़ अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल, ओके, ऑन दिस चैनल। सो दिस वॉज अबाउट चंद्रयान मिशन एंड वी लर्न लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट this mission as you can see here. So thank you so much for joining, keep watching German class and keep learning German with me. You can join me every day 9 p.m. Indian time and learn live German with me. Thank you so much, bye bye, take care.